T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा। पिछले साल यूएई और ओमान में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को शिकस्त दी थी। इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। 16 अक्टूबर से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। ICC ने शुक्रवार को T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के मुताबिक भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग अलग शहरों एडिलेड, ब्रिस्बेन, जीलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में होंगे। 2014 का चैंपियन श्रीलंका 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। वहीं वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल सिडनी में 9 नवंबर और दूसरा 10 नवंबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। यह पहला मौका होगा जब एडिलेड ओवल में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला होगा, जबकि फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। यह मुकाबला फ्लड लाइट्स में खेला जाएगा। पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। पिछला T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत की मेजबानी यूएई और ओमान में हुआ था। इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, भारत को सुपर 12 में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालिफायर के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेलेगा। पहला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा 27 अक्टूबर को ग्रुप ए की रनर अप के साथ, तीसरा 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और टीम अपना चौथा मैच 2 नवंबर को बांग्लादेश और 5-6 नवंबर को ग्रुप बी की विनर के साथ होगा। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। पिछले साल यूएई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ ही किया था। इस मुकाबले में टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा हो। भारत और पाकिस्तान के साथ 12 टीमें सुपर माइनस 12 में, भारत और पाकिस्तान के साथ 12 टीमें डायरेक्ट सुपर माइनस 12 में खेलेंगी, जबकि 4 टीमों का फैसला फरवरी और जुलाई में होने वाले क्वालिफायर से होगा। सुपर माइनस 12 में भारत और पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को जगह मिली है। वहीं नामीबिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज मुख्य ड्रॉ से पहले क्वालिफायर खेलेंगे। अन्य 4 टीमें भी क्वालिफायर में उतरेंगी।